हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे सोया आलू पकोड़ा। उसके लिए क्या क्या लगते हैं एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग इधर ले लिया कुछ सोयाबीन का चंक्स, करीब थोड़ा देख ही सकते हैं आप लोग, और एक मीडियम साइज का एक आलू, एक छोटा प्याज, उसके साथ मैगी मसाला जो नॉर्मल मार्केट में मिलते हैं अवेलेबल, दो हरी मिर्च, जीरा का पाउडर, और उसके साथ लेंगे अजवाइन, और उसके साथ जो मेन इंग्रेडिएंट है 1 कप बेसन। पहले गैस ऑन करेंगे, उसमें थोड़ा ऐड कर दिया पानी। अब इसको उबलने देंगे। पानी उबलने के तक वेट करेंगे। जब पानी में उबल आ जाएगा उसमें ऐड करेंगे सोयाबीन का चंक। इसको 10-15 मिनट थोड़ा वेट करेंगे। अभी गर्म पानी में सोया का चंक्स ऐड कर दिया। अभी 10-15 मिनट तक इसको उबलने देंगे, तब तक इसको ढक के रखते। तो पहले ग्रीट कर लेते हैं ऐसा। सोयाबीन उबलने के बाद इसको छोटा पीसेस में ऐसे कट कर लेते। आलू के साथ ये छोटा पीसेस सोयाबीन, कटे हुए प्याज तो स्मैश कर लेंगे। उसके बाद हरी मिर्च ऐड करते। करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा बेसन ऐड करते जाएंगे और साथ साथ ऐसा मिक्स करेंगे। और इस अभी इसमें मैगी मसाला, जीरा, अजवाइन सब इसमें, और उसके साथ टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर देते। और इसमें बिल्कुल मैं पानी ऐड नहीं किया। अभी पूरा बन गया हम लोग का एक बैटर। अभी ऑयल ऐड किया, इसको थोड़ा गर्म होने तक वेट करना पड़ेगा हम लोगों को। अभी ऑयल गर्म हो गया, तो अभी क्या करेंगे, एक स्पून लेके छोटा छोटा ऐसा ऑयल में दे देंगे। अभी वेट करेंगे थोड़ा, जब तक एक साइड थोड़ा पक नहीं जाते तो वेट करेंगे। अभी इसको उल्टा साइड में थोड़ा पका लेते हैं। अभी ये पकौड़ा पूरा हो गया, तो अभी इसमें इसको प्लेट में ले लेते हैं। मैंने इधर एक टिश्यू पेपर रख दिया, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑयल जो रहेगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा। अभी देखिए हम लोग पूरा जो बैटर था उससे बना लिया पकोड़ा। अभी हम लोगों का पकौड़ा बन गया, सोया आलू पकौड़ा। अभी आप लोग ये चटनी के साथ, कौन सा भी चटनी, यहाँ पे हम लोग ले लिया पुदीना और टमाटर सॉस, तो इसके साथ हम लोग अभी ट्राई तो करेंगे गर्मा गर्म चाय के साथ। अभी हम लोग खाते हैं और आप लोग घर पे ट्राई कीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा रहा ये रेसिपी। बाय।